अस्सलाम वालेकुम। ये लच्छा पराठा बनाने का तरीका कोयटा चाय का। स्पेशल रेसिपी उस्ताद की तरफ से आप सब के लिए। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं चीज़ पराठा की रेसिपी के, लच्छेदार चीज़ पराठा कैसे बनता है। और कोयटा के उस्ताद हैं हमारे, जो कराची का लच्छा पराठा है वो भी बेसिकली कोयटा का ही होता है। तो आज आपको आसान तरीका सिखा रहे हैं चीज़ पराठा बनाने का कि ये कैसे बनेगा। ये पराठा रोल हो गया है, उसके ऊपर चीज़ आ रहा है। चीज़ की सेटिंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से की गई है, क्योंकि हाफ़ पराठे के ऊपर चीज़ आएगा और हाफ़ पराठा उसके ऊपर रोल करेगा। मैंने पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि पराठे गोल ही हों, और ये हम नहीं कहते, ये प्रोफेशनल्स कहते हैं। ये पराठा रोल हो गया, साइड्स फोल्डिंग की स्पेशल टेक्निक, साइड्स को फोल्ड किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं साइड्स प्रॉपर फोल्ड होंगी तो चीज़ बाहर नहीं आएगा। ये चीज़ पराठा फ्राइंग के लिए चला गया है अब, और साथ ही ऑयल जा रहा है इसकी फ्राइंग के लिए। चीज़ पराठा फ्राइंग में आ गया। कलर तो बहुत प्यारा आ गया। चीज़ पराठा की स्पेशल रेसिपी कोयटा चाय पेशावर से आप सबके लिए। फ्राइंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए फ्राइंग को देख लेना ज़रूरी है। ये हमारा चीज़ पराठा तैयार होने के मरहल में। अब इसकी कटिंग की जाएगी। सर्विंग के लिए जा रहे हैं। आए हम देखते हैं कि हमारा चीज़ पराठा कैसा बना है। देखने में तो बहुत आला लग रहा है। यम्मी, मज़ेदार।